पूर्णिया के राजकीय पॉलिटेक्निक छात्र संघ के सदस्यों द्वारा हैदराबाद में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसे जलाकर मार दिए जाने के मामले को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। छात्र संगठन की ओर से कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र शामिल होकर दुष्कर्मी को सरेआम सजा देने की मांग कर रहे थे। इस दरमियान प्रदर्शनकारी छात्रों ने मृतक डॉक्टर की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की और उसके बाद कैंडल मार्च निकालकर अपने गुस्से का इजहार किया। छात्रों का कहना था कि इस तरह की घटना देश को शर्मसार करने वाली है। जो महिला डॉक्टर के साथ हुआ है वह किसी भी घर की माँ बहन बेटी के साथ हो सकता है, इसलिए सरकार को ऐसे आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इस तरह की मनसा रखने वालों में भय उत्पन्न हो सके। कार्य किया गया और इस तरह से कई जगह किया जा रहा है, ये ऐसा नहीं है कि केवल वहाँ ही किया गया, हर एक जगह पे जहाँ भी ये शुरू होता है, हर एक राष्ट्र में हर एक जगह पे ये शुरू हो जाता है। हम लोग चाहते हैं कि सभी लोग अपने घर से जागरूकता लेकर के सभी अपने घर में अपने मतलब राज्य में अपने जहाँ भी है वो लोग अपने कॉलेज में हर एक जगह पे एक जागरूक बनाए, एक गर्ल्स को एक सही सोसाइटी दे, सुरक्षित सोसाइटी दे। बॉयज और गर्ल्स में कोई डिफरेंस नहीं समझा जाए क्योंकि हर एक जगह पे कोई मतलब डिफरेंस नहीं है। सीधा फांसी दिया जाना चाहिए, एक ऐसा जिस तरह से किया गया है उसमें सीधा फांसी देना चाहिए, एक पब्लिक प्लेस पे देना चाहिए। जिस तरह से अलग कंट्री में इस तरह से किया जाता है उस तरह से यहाँ भी किया जाना चाहिए। जिस तरह से मतलब कि रोका जा सकता है, मतलब ठोस कानून चाहते हैं हम लोग।